जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एप्पल आ गया इंडिया की मारने के लिए। एप्पल लेके आ गया अपने नए आईफोन। देखेंगे इन आईफोन में क्या है और इनकी प्राइसिंग क्या है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आज अपन बात करने जा रहे हैं एप्पल के नए आईफोन के बारे में, जो कि एप्पल ने हाल ही में लॉन्च किए हैं। वो अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर कुछ ही दिनों में इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे। और भैया एप्पल ने इन आईफोन के नाम इस तरह रखे हैं, कुछ पहले का नाम है XS, दूसरे का नाम है XS Max और तीसरे का नाम है XR। और इनकी प्राइसिंग में बात की जाए तो सबसे लो प्राइस का एप्पल ने बोला है कि XR सबसे लो प्राइसिंग का। सबसे पहले बात करेंगे अपन आईफोन XS के बारे में, इसकी प्राइसिंग USA और इंडिया में क्या है। USA में इसका 64 GB मिलेगा आपको $999 के अंदर और इंडिया में ये मिलेगा आपको 99,900 रुपयों के अंदर। काफ़ी ज़्यादा रख दी है आईफोन ने इसकी प्राइस। अब इसी में आपको 256 GB वाला वेरिएंट मिलेगा, USA में मिलेगा $1,149 में और इंडिया में मिलेगा आपको 1,14,900 रुपये के अंदर, लगभग 1,15,000 रुपये। इसी में आपको 512 GB वाला मिलेगा, USA के अंदर आपको मिलेगा $1,349 में और इंडिया में मिलेगा 1,34,900 रुपये में, मतलब कि 1,35,000 रुपये का ये आईफोन हो गया दोस्तों। और इसमें कुछ नहीं दिया गया है, नया कुछ नहीं दिया है, इसमें प्रोसेसर चेंज किया गया है ओनली। अब बात करेंगे आईफोन XS Max के बारे में, USA और इंडियन प्राइसिंग क्या है देखेंगे अपन। सबसे पहले 64 GB के ऊपर बात करते हैं, 64 GB आपको मिलेगा USA के अंदर $1,099 के अंदर और इंडिया मिलेगा आपको 1,09,900 रुपयों के अंदर। और 256 GB आपको USA के अंदर मिलता है $1,249 का और इंडिया के अंदर मिलता है आपको 1,24,900 का, लगभग 1,25,000 का ये फोन आपको मिलता है। और 512 GB आपको मिलता है $1,449 का USA के अंदर और इंडिया के अंदर मिलता है 1,44,900 रुपये का, लगभग 1,45,000 का फ़ोन आता है अपने इंडिया के अंदर। अंत में और तीसरे नंबर पर बात करेंगे आईफोन XR के बारे में, आईफोन XR की USA एंड इंडियन प्राइस क्या है देखेंगे अपन। सबसे पहले 64 GB आपको मिलेगा $749 में USA के अंदर और इंडिया के अंदर मिलेगा आपको 76,600 रुपये के अंदर। ये भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इस फोन में आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलता है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सारे फ़ोन में सेम हैं। आपको 128 GB वाला USA मिलेगा आपको $799 के अंदर और इंडिया मिलेगा आपको 81,900 रुपये के अंदर। और तीसरा जो वेरिएंट है इसके अंदर वो है 256 GB, 256 GB में आपको मिलेगा $899 के अंदर USA के अंदर और इंडिया मिलेगा 91,900 रुपीज़ के अंदर दोस्तों। और दोस्तों आईफोन ने अपने बॉक्स के अंदर पूरी एसेसरी भी नहीं दी है जो पहले देता है, उसके मुकाबले आईफोन ने एसेसरी और भी कम कर दी है। इसने आईफोन ने ईयरफोन कनेक्टर नहीं दिया है, जो कि अपने फ़ोन को ईयरफोन से कनेक्ट करते हैं, वो भी अपने को मार्केट से खरीदना होगा कम से कम 1,500 रुपये का। और इस फ़ोन के अंदर A12 बायोनिक चिप लगाई गई है, इसलिए एप्पल बोल रहा है कि इसका जुर्माना इतना हम इसलिए ले रहे हैं कि A12 बायोनिक चिप इसमें डाल रखी है। उसके बाद सारे स्पेसिफिकेशन सारे फोन में सेम है। XR के अंदर आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, उसको उसके अंदर एप्पल बोलता है कि हमने ब्लर वाला ऑप्शन दिया है, आप सिंगल कैमरे से भी फोटो को ब्लर कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि काफी सारी कंपनीज हैं जो 10,000 के अंदर भी सिंगल कैमरे के अंदर ब्लर वाला ऑप्शन देती हैं। तो दोस्तों ये फोन आपको अगर बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, आप अपने पैसे लुटाना चाहते हैं तो आप लुटा सकते हैं। मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा और हाई रेंज है, तो आप ये फ़ोन नहीं बाय करें तो ही अच्छा है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।